गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम क्लास फाइव में चैप्टर नंबर वन करेंगे। चैप्टर नंबर वन में आपका देखिए है लेट्स डू अ सर्वे। ईवीएस में आपका फर्स्ट चैप्टर है लेट्स डू अ सर्वे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स डू, आओ करें सर्वे। सर्वे के बारे में देखिए क्या बताया गया है आपका चैप्टर वन में, हम बताते हैं स्टूडेंट्स। सर्वे, सर्वे का मीनिंग होता है, यहाँ पर देखिए किसी भी चीज़ को या किसी भी क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए हम जो प्लान बनाते हैं, उस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए जो हम वर्क करते हैं, इन्फॉर्मेशन को जो हम कलेक्ट करते हैं, और इन सब वर्क को हम मिलकर एक न्यू नेम देते हैं, उस न्यू नेम को हम कहते हैं सर्वे। ठीक है बच्चों, मीन्स किसी क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनसे ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं, तो वो हमारा सर्वे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है आपको, यू मे नॉट फाइंड आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक। प्यारे बच्चों, आपको आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए सारे क्वेश्चन के आंसर आप नहीं ढूंढ सकते, शायद तक आप नहीं ढूंढ पाएंगे, बट दे डू हैव आंसर, बट उनके आंसर तो होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी फैमिलीज एंड हाउ मेनी पीपल लिव इन योर विलेज। आपके शहर में, आपके गांव में कितनी फैमिलीज़ है और उन फैमिलीज़ में कितने लोग, कितने पीपल रहते हैं, ये आप नहीं जानते बच्चों। आप केवल अपने घर में कितने पीपल रहते हैं, आपके फैमिली में कितने पीपल रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, ये आप जानते हैं। आप अपने आस पड़ोस के लोगों के बारे में भी जानते हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होती है, बट आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर और भी बहुत से ऐसी फैमिलीज़ होती है जिन्हें आप नहीं जानते बच्चों, उनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्नों के आंसर ढूंढने के लिए हमें सर्वे की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो देखिए आपके बुक्स में दिया हुआ है, यू मस्ट बी थिंकिंग, आपको सोचना चाहिए, वाई इज इट नेसेसरी। नेसेसरी का मीनिंग होता है आवश्यक, जरूरी, जैसे नीड। तो वाई इज नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ फैमिलीज एंड पीपल लिविंग इन योर विलेज। आपको सोचना चाहिए कि आपके विलेज में कितने फैमिलीज और कितने लोग रहते हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है। हैव यू एवर थॉट, आपने हमेशा सोचने की या जानने की कोशिश की होगी कि डिफरेंट नीड्स पीपल हैव, लोगों की जो नीड है, लोगों की जो आवश्यकता है वो अलग अलग होती है। जैसे वाटर की जो है, वाटर की आवश्यकता होती है हमें, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, फूड भोजन की ज़रूरत है, क्लॉथिंग कपड़ों की ज़रूरत है, मटेरियल की ज़रूरत है, इन सब का यूज़ हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, हाउस बनाने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत है, आयरन रॉड की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है, इस प्रकार और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है बच्चों। तो देखिए, और इसमें अगर ये भाई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यदि हम स्कूल बिल्डिंग बनाते हैं या हॉस्पिटल के बिल्डिंग बनाते हैं, तब भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है बच्चों। ग्रेटर द पॉपुलेशन, ग्रेटर द नीड्स। यदि लोगों की संख्या में वृद्धि होगी तो उनकी ज़रूरतों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी बच्चों।
जैसे यदि हमारे घर में दो लोग हैं तो हम दो लोग के हिसाब से अगर खाना की बात करें तो हम दो लोगों के लिए खाना बनाएंगे तो उनके हिसाब से हम अरेंजमेंट कर लेंगे। यदि हमारे घर में चार लोग और आ जाते हैं तो टोटल हो गए हमारे पास सिक्स, ठीक है। तो हमको सिक्स पीपल को अरेंज करने के लिए हमको उनके लिए और थिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी उनके भोजन के लिए। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि यदि हमारे विलेज में, हमारे कंट्री में अगर पीपल्स की संख्या बढ़ती है तो उनकी ज़रूरत भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। दिस वुड लीड टू द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिससे हमारी सोर्स में क्या होती जाएगी, हमारी सोर्स में कमी होती जाएगी, ठीक है। देखिए सजेशन, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, तो रिसोर्स को जानने से पहले हम सोर्स को जानते हैं। जैसे सोर्स के बारे में जब हम जानने की बात करते हैं तो देखिए जिन चीज़ों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वे हमारे सोर्स होते हैं, बट इनमें भी कुछ कंडीशन होते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं इसमें कंडीशन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हमारी बिजली की आपूर्ति की जाती है, जैसे जो आपके रिवर हैं वो वाटर के सोर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार और भी आपके सोर्स होते हैं, जब इन सोर्सेस को हम फिर से यूज़ करते हैं तो हमारे रिसोर्सेस बन जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए इट इज़ नॉट जस्ट इनफ टू नो द नीड्स बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड वे द मीन्स टू फुलफिल इट। इट इज़ नॉट जस्ट इनफ टू नो द नीड्स। हम अपनी ज़रूरतों को जानते हैं, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड वे द मीन्स, हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की रास्ते को ढूंढने की ज़रूरत है, उन्हें फुलफिल करने की ज़रूरत है। सच इन्फॉर्मेशन क्रिएट अ बेस, इसके लिए हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक बेस बनाते हैं और उस बेस से हम सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम, और उस बेस के आधार पे हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को, कठिनाइयों को दूर करते हैं। टू कलेक्ट सच इन्फॉर्मेशन, और हम बहुत से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वी कैरी आउट ये सर्वे, जिससे एक सर्वे हो जाती है बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट के पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं, इन स्टूडेंट के पास कॉपीज है, पेन है, तो हम यहाँ पे ये सर्वे कर सकते हैं जा कर के कि आपके पास बुक्स है कि कॉपी है कि नहीं, हैव यू बुक्स, हैव यू पेन, हैव यू स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लोग इन बच्चों के बारे में जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन हम जो कलेक्ट कर रहे हैं वो भी एक प्लान के तहत, एक प्लान से होता है, और इस पूरी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, सर्वे का नाम दे सकते हैं, सर्वे कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पीछे बुक में दिए हुए हैं, आइए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अगर ये एक्टिविटीज़ आपके स्कूल के क्लास रूम में होती है तो आपका क्लास टीचर इससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, बाहर में होती है तो कोई नॉलेजेबल पर्सन, कोई जानकार पर्सन आपके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ के सर्वे कर सकता है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं इसमें, ये देखिए आप, मेनी टाइम्स योर टीचर आल्सो कैरीज आउट ए सर्वे। आपने देखा होगा आपके टीचर्स भी आपके लिए सर्वे करते हैं और फाइंड आउट द
काइंड्स ऑफ सर्वे दे डू, आपके टीचर्स किस किस प्रकार से सर्वे करते हैं उन्हें आपको बताना है बच्चों, ठीक है। यहाँ आपको फिल करना है, आंसर हम आपको बाद में फिल कराएंगे। देखिए इसमें इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट्स है, लेट्स फाइंड आउट, आइए ढूंढते हैं कि सर्वे में हम क्या करते हैं, सर्वे क्या होता है। टू फाइंड द आंसर सच क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए लेट अस कैरी आउट अ सर्वे, हम सर्वे करते हैं बच्चों। आप देखेंगे इसमें लिखा है देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू आर रेडी नो, आप इनमें से बहुत सी चीज़ों को जानते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सर्वे यू विल गेट इन्फॉर्मेशन, सर्वे की हेल्प से आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हाउ टू कैरी आउट अ सर्वे, देखिए सर्वे कैसे करेंगे ये आपको बताया जा रहा है। फर्स्टली डिवाइड योर सेल्फ इन ग्रुप्स, सबसे पहले हम अपने को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, ग्रुप्स की संख्या आपकी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, पर यहाँ पर आपका 2 के बारे में बोल रहा है। तो फर्स्टली डिवाइडेड योर सेल्फ इन ग्रुप्स ऑफ 2s, आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना है, दोनों ग्रुप्स आपके पार्टनर्स होंगे। बोथ पार्टनर्स शुड आइदर नेबर और लिव इन द नेबरहुड, जो दोनों ग्रुप्स होंगे वो अपने आसपास के पड़ोसियों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जाएंगे। ईच ग्रुप्स विजिट एट लिस्ट 8 to 10 हाउसेस इन अ कॉलोनी, प्रत्येक ग्रुप अपनी कॉलोनी में 8 से 10 मीन्स 8 to 10 हाउस में विजिट करेंगे, मिलने जाएंगे और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। एट लीस्ट 1 ग्रुप मस्ट विजिट ए कॉलोनी, और एक ग्रुप जो है आपका कॉलोनी में पूरा विजिट करेगा, ठीक है बच्चों। विद द हेल्प ऑफ सर्वे कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जब आप सर्वे करने जाएंगे तो आप ये जो चार्ट आपका जो टेबल बना हुआ है इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे बच्चों, जैसे नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली, फैमिली में जो हेड है उनका नाम क्या है, हिज प्रोफेशन वो कौन सा काम करते हैं, नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली, फैमिली में कितने लोग रहते हैं, कच्चा और पक्का हाउस उनके घर कैसे हैं, कच्चा है कि पक्का है, कच्चा का मतलब मिट्टी के बने हुए हैं और पक्का का मतलब क्या सीमेंट के बने हुए हैं, लेंटर वाले हैं, ये आपको बताने हैं स्टूडेंट्स। पीपल इन द फैमिली, देखेंगे बच्चों आप पीपल इन द फैमिली वुड गैस कोल केरोसिन काउडंग केक्स, कौन जो लोग हैं वो घर में क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, वुड लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, कोल कोयला इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन का ऑयल यूज इस्तेमाल करते हैं, या काउडंग गोबर इस्तेमाल गोबर के जो कंडे हैं वह इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों का आप इंफॉर्मेशन कॉलोनी में रहने वाले लोगों से ले सकते हैं और उनके आधार पर आप यहाँ पर एक टेबल तैयार कर सकते हैं जिससे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। ये भी आपका सर्वे है स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है। आप देखेंगे बच्चों इस पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को हम बाद में कराएंगे, पहले आप ये देख लीजिए, फिर आपका देखिए सर्वे के बाद में क्या दिया हुआ है बच्चों। सिमिलरली अगर हम सेम रूप से ऐसी सर्वे अगर हम लोग क्रॉप्स पे करें, फसल के बारे में करें, क्रॉप्स का मीनिंग होता है फसल, तो आप जानते हैं बच्चों, देखिए फाइंड आउट द डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया, आप अपने एरिया में जाइए और पता लगाइए कि आपके एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से फसलों की खेती की जाती है, आप पता लगाइए। व्हेन इट्स शोन द रिपीटेड, और उन्हें यहाँ बताइए एंड उसे रिपीट कीजिए। देखिए नेम ऑफ क्रॉप, आप जानते हैं कि हमारे एरिया में राइस चावल की खेती होती है, मतलब धान की खेती होती है, वीट
गेहूँ की भी हम खेती करते हैं, सनफ्लावर सनफ्लावर के भी हम यहाँ पे क्रॉप्स लेते हैं, ग्राउंड नट की ले सकते हैं, अरहर दाल की ले सकते हैं, पी की ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए राइस की आपकी जुलाई में होती है, वीट की आपकी जनवरी में होती है, सनफ्लावर की आपकी जनवरी में होती है, वैसी ग्राउंड नट की अगस्त में होती है, अरहर दाल की आपकी अगस्त में होती है, पी की आपकी अगस्त में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका टाइम ऑफ रेपिंग भी दिया हुआ है, इसे भी आप जान पाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्रॉप्स के बारे में भी सर्वे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखिए मैं आपका नेक्स्ट पेज मूव कर रहा हूँ, आप देखेंगे। ये देखिए आपका नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे कंडक्ट आंसर, आपने जो सर्वे किया है उसके बेस पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है। कि आपको दिया है आंसर द फॉलोइंग, फर्स्ट आपको दिया है नेम ऑफ क्रॉप्स सोन ड्यूरिंग मानसून, सोन का मतलब होता है बोना। तो देखिए मानसून के समय किन किन फसलों की लिए बीज की बुआई की जाती है, तो मानसून के समय आपके जो राइस के जो सीड होते हैं उनकी बुआई की जाती है, इसलिए राइस यहाँ पे फिल किया हुआ है। उसी प्रकार हाउ आर सीड्स, सीड्स क्या है, लीव्स क्या है, एंड ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप्स एंड हाउ दे आर यूजफुल, वो हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं ये हमको बताने हैं बच्चों। देखिए जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो हम उसे कट कर लेते हैं, कट करके हम उसे कलेक्ट कर देते हैं, फिर वो हमारे लिए रेडी हो जाती है। उस फसल को उसमें से हमको बीज मिलती है जिसे हम सीड्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, और लीव्स तो आप जानते ही हैं, जब सीड को हम क्या करते हैं सोन करते हैं तो वो हमारा प्लांट बन जाता है, तो उसमें हमको लीव भी मिल जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सर्वे है जिससे क्वेश्चन बन रहा है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, नेम ऑफ क्रॉप्स सोन आफ्टर द मानसून, मानसून के बाद में किसकी बुआई की जाती है, तो वीट गेहूँ की बुआई की जाती है। यहाँ आप कह सकते हैं वीट क्रॉप्स सोन आफ्टर द मानसून, ऐसा आप आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका एक प्रकार का सर्वे से आपका इस प्रकार का आंसर जैसे बन रहा है। तो ऐसा क्यों बन रहा है, आपने सर्वे किया तो आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट किए, आपने प्लान बनाकर उसका फाइंड आउट किया और उसको आपने ऑर्डर में अरेंज किया तो आपका एक प्रकार सर्वे बन गया, तभी तो आप इन सब प्रश्नों के आंसर दे पा रहे हैं बच्चों। तो सर्वे से हम क्या करते हैं, सर्वे से हम प्रश्न के मीन्स क्वेश्चन के आंसर हम फाइंड आउट कर पाते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए इस पर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका सर्वे ऑन पेडेस्ट्रियंस। तो देखिए क्या दिया हुआ है, वन डे एक दिन एट ए सिटी क्रॉसिंग रामू एंड इकबाल, रामू और इकबाल जो है एक शहर से क्रॉस कर रहे थे, द नंबर्स काउंटेड द नंबर्स पेडेस्ट्रियन, काउंटेड द नंबर्स पेडेस्ट्रियन, और अपने कदमों को काउंट करते हुए सिटी को क्रॉस कर रहे थे, द सर्वे वॉज कैरिड आउट फ्रॉम 4 to 5 इन द इवनिंग। और यहाँ पर देखिए द सर्वे, वहाँ पे सर्वे किया जा रहा है, द सर्वे वॉज कैरिड आउट फ्रॉम 4 to 5 मतलब 4 से 5 बजे के बीच इन इवनिंग में, शाम में 4 से 5 बजे के बीच, नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन काउंटेड इज गिवन बिलो। देखिए कितनी कितनी पेडेस्ट्रियन कितने कितने कदम आगे बढ़े वो बताया जा रहा है, काउंटिंग वॉज डन लाइक दिस दे वुड पुट ए, अगर 1 कदम वो चल रहे हैं तो 1, ये 1 का साइन हो गया, फॉर 1 पेडेस्ट्रियन पासिंग, फॉर 4 दे पुट, अगर मान लीजिए वहाँ से वो 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं, 4 पेडेस्ट्रियन आगे जा रहे हैं तो वहाँ पर 4 का साइन पुट करेंगे। आपका रोमन नंबर हम आप यूज़ कर रहे हैं, अब देखिए ये आपका टेली साइन का, ये आपका टेली साइन है, ये आपके 4 के लिए हम यूज़ करेंगे दिस साइन, फॉर द 5th पेडेस्ट्रियन के लिए हम कैसे करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से उसको कट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अपर साइड और यहाँ से लोअर साइड दोनों को मिला देंगे तो ये आपका बन जाएगा 5, 1 2 3 4 हो गया, और ये जो कट जैसे दिख रहा है आपका 5 हो गया स्टूडेंट्स। तो सच साइंस आर कॉल्ड टेली साइन। 13 पेडेस्ट्रियन को हम टेली साइन में कैसे राइट करेंगे, ये देखिए 1 2 3
1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको 4 हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से इसी प्रकार और बना लेंगे तो आपका क्या होगा 10 हो जाएगा, और 1 2 3 आपको 13 बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ जो दिख रहा है ये आपका रॉन्ग है, ये देखिए इसका जो राइट होगा वो इस प्रकार से बनेगा। आप देखेंगे मैं आपको कॉपी में करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए बच्चों जैसे 13 दिया है तो 13 हम कैसे करेंगे, 13 के लिए अगर हम टेली साइन बनाएंगे तो ऐसे बनेगा बच्चों, देखिए 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5 स्टूडेंट, कॉमा 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 हो गया, हमको 13 मेक करने हैं तो 1 2 3 ये आपका 13 हो गया स्टूडेंट, ये 13 का आपका टेली साइन बन गया, ठीक है बच्चों। आगे देखो इसमें इसी के बेस पे क्वेश्चन बनाया गया, यहाँ पर देखिए एरिया दिया है, वुमेन दिया है, मेन दिया है और आपका टोटल दिया हुआ है, देखिए बच्चों तो फर्स्ट आपको दिया है फ्रॉम क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू विक्टोरी पिलर, जब हम क्लॉक टावर से विक्टोरी पिलर को क्रॉस करते हैं तो वुमेन 63 वुमेन कॉल का वहाँ से आपके क्रॉस कर रहे हैं और 135 मेन वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं आप देखेंगे, देखिए बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर आपके वुमेन है 63, मेन है आपका 135, दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 198। उसी प्रकार देखिए फ्रॉम क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू मोती गार्डन क्रॉसिंग, अगर हम क्लॉक टावर से मोती गार्डन को क्रॉसिंग करेंगे तो वहाँ पर 52 वुमेन्स क्रॉस कर रही हैं और 203 मेन्स क्रॉस कर रहे हैं, दोनों का एडिशन करेंगे तो टोटल में 255 पर्सन्स वहाँ से क्रॉसिंग कर रहे हैं। फिर देखिए क्लॉक टावर टू क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन, यहाँ पे 9 वुमेन है और मेन आपका 196 है। उसी प्रकार देखिए क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू टेली बांदा क्रॉसिंग, मेन में आपके पास वुमेन आपका 60 हैं, मेन आपका 227 है, इनका एडिशन बन गया 287। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले में गोल बाजार के लिए क्या दिया हुआ है, वुमेन है 120 एंड मेन है आपका 254, ये बन गया आपका 374, ठीक है बच्चों। इसी के बेस पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, ओके।